हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया से आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन शायद डेड हो चुके हैं, यानी कि उनकी मौत हो चुका है। हालांकि किम जोंग उन का उम्र सिर्फ 36 ईयर से, यानी कि सिर्फ 36 साल की उम्र में उनका मौत हो चुका है। और इसके पीछे रीजन के तौर पर ये बताया जा रहा है उनका जो फिजिकल कंडीशन था वो पिछले बहुत दिनों से खराब जा रहा था। 2014 के बाद से ही उनके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा था, क्योंकि वैसे भी वो बहुत ओवरवेट थे, क्योंकि उनका हाइट है 5 फीट 7 इंच और इतनी सी हाइट में उनका टोटल वेट है 137 kg। तो इसी वजह से आप देख सकते हो वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा ओवरवेट थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा फैट था उनके शरीर में और उनको स्मोकिंग का नशा भी था, बहुत स्मोकिंग करते थे। और इसीलिए पिछले 2-3 सालों से उनके हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा था। और नॉर्थ कोरिया के जो डॉक्टर्स है वो बहुत बार किम जोंग उनको ये रिक्वेस्ट कर चुके थे कि उनके हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया और ऑपरेशन का डेट पोस्टपोन करते रहे। इसके नतीजे तौर पर यह कहा जा रहा है कि पिछले 11 अप्रैल को उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया और उसके बाद जो ऑपरेशन किया गया उस ऑपरेशन के बाद ही वो कोमा में चले गए और उनका ब्रेन डेथ हो चुका था। और अब यह कहा जा रहा है कि ब्रेन डेथ हो जाने के बाद पूरी तरह से उनका मौत भी हो चुका है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज को लेकर ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। दोस्तों, असल में किम जोंग उन एक ऐसा पर्सनालिटी है जिनको लेकर इससे पहले भी बहुत सारे र्यूमर्स आया था, क्योंकि उनका पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा था पूरे दुनिया में। इसको नेगेटिव भी कहा जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है और उनके बारे में बहुत सारे स्टोरीज भी हमें जानने को मिलता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। और नॉर्थ कोरिया में कोई भी लोगों को किसी तरह का फ्रीडम नहीं है। और नॉर्थ कोरिया के बाहर जो नेबर कंट्रीज है, यानी कि साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया का बहुत दिनों से ही बहुत सारे इश्यूज चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ था। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन का ट्विटर में किस तरह का साइबर वॉर चल रहा था और उन्होंने दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका को भी धमकी दिया था कि वो जब चाहे अमेरिका में न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। इसके बाद से ही पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया को लेकर टेंशन में था, क्योंकि सच में नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। और न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी मौजूद है और इसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स भी मौजूद है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमेरिका, रशिया और चाइना के चलते नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में पीस प्रोसेस काफी आगे बढ़ रहा था। और पिछले साल किम जोंग उन साउथ कोरिया में एक विजिट में भी गए, जहां पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ उनका बहुत सारे मीटिंग हुआ और दोनों ने बहुत सारे इवेंट्स में भी एक साथ पार्टिसिपेट किया। तब से ही ऐसा बताया जा रहा था कि किम जोंग उनके हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज्यादा डिटोरिएट कर चुका है, क्योंकि साउथ कोरिया के इस विजिट में एक इवेंट ऐसा भी था जहां पर दोनों प्रेसिडेंट्स को एक पौधा लगाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी खोदना था। लेकिन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, जिनका उम्र है 64 ईयर्स, वो आसानी से इस काम को कर चुके थे। लेकिन नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट किम जोंग उन इस काम को करने के समय उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहा था और तभी साउथ कोरियन डॉक्टर्स ने यह बताया था कि किम जोंग उन के हेल्थ कंडीशंस बहुत ही ज्यादा डिटोरिएट कर चुका है और उनको बहुत ही जल्द हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा और किम जोंग उन का डेथ हो चुका है। ऐसा बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया जैसे कि बीबीसी नेटवर्क, अमेरिकन मीडिया जैसे कि सीएनएन, सीबीएन और अलग अलग मीडिया सोर्सेस से बताया जा रहा है। और इसके पीछे कुछ पॉइंट्स भी उन मीडिया सोर्सेस के तरफ से दिया गया है और वो है 11 अप्रैल के बाद से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन को कोई भी ऑफिशियल इवेंट में नॉर्थ कोरिया में नहीं देखा गया है, यानी कि 11 अप्रैल के बाद से ही वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और इस हार्ट ऑपरेशन का डेट भी 11 अप्रैल ही बताया जा रहा है। इस र्यूमर में दम तब आया जब 15 अप्रैल किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के लोगों के सामने नहीं आए, क्योंकि हर साल के 15 अप्रैल किम जोंग उनके जो ग्रैंडफादर है उनका जन्मदिन में पूरे नॉर्थ कोरिया में बहुत ही बड़े बड़े फंक्शन होते हैं और नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है और उसमें किम जोंग उन भी हर साल शामिल होते हैं। लेकिन इस साल के 15 अप्रैल को किम जोंग उन लोगों के सामने नहीं आए और तभी मीडिया सोर्सेस से बताया गया कि हो सकता है किम जोंग उन का डेथ हो चुका हो। लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के तरफ से ऑफिशियली कभी भी ऐसा बताया नहीं गया है कि किम जोंग उन का हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज्यादा डिटोरिएट कर चुका है या फिर उनका ब्रेन डेथ हो चुका है या फिर उनका मौत हो चुका है। तो अब आने वाले टाइम में ये देखना होगा किम जोंग उन का सच में मौत हो चुका है या फिर ये पूरा न्यूज वेस्टर्न मीडिया के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।